जनरल विपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय विपिन रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज सभी ने यह संकल्प लिया है कि जनरल विपिन रावत के सपने को पार्टी और सरकार पूरा करेगी। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी हर वर्ष स्वर्गीय विपिन रावत की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। जनरल विपिन रावत जी का समय हम सबके बीच में से जाना, जहाँ उत्तराखंड राज्य के लिए तो बहुत बड़ी क्षति हुई, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई और उनके बहुत सारे सपने थे, विशेषकर हमारे राज्य उत्तराखंड को लेकर, दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, अनेकों प्रकार से वो काम करना चाहते थे। हमारे यहाँ के जो नौजवान सेना में जाना चाहते थे, उन सभी के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई थी और उनके समय जाने से ज़रूर हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। एक ट्रेन जो बहुत तेज़ी से चल रही थी उसकी गति धीमी हुई, लेकिन आज उनका ये दिवस, आज हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर हमने सभी उनका स्मरण किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, जो उनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने के विचार थे, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हर वर्ष उनको इसी प्रकार से हम लोग उनका स्मरण करके, उनके बताए हुए मार्गों को पुनः स्मरण करके उस पर आगे चलने का काम करें। सरकार से हम सबको बहुत ही चले जाएंगे, संकल्प नहीं है देश की, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, बाहर सुरक्षा हो, उसने इनको बहुत बड़ा इंसान था राज, हमने उसको सलाह सुना कुछ किया। आज ही हमने तय किया है कि हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रक्तदान के शिविर आयोजित करेगा, क्योंकि उत्तराखंड एक वीरभूमि है और उत्तराखंड के हर गांव में एक सैनिक रहता है। सैनिक जहाँ सरहद पर खून बहाता है, वहीं आवश्यकता पड़ने पर उनको खून की भी दिक्कत ना हो, इसलिए एक अभियान के रूप में हम शुरू